हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 6 मंथ्स के लिए जो करंट अफेयर्स रहे हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड, उनको कवर करूंगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एनडीए सीडीएस एनएफकेट के बैचेस में, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक्जीम डिफेंस अकेडमी विद्याधरनगर जयपुर। ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, जीके पार्ट में ही कवर करूंगा। अगर आप एग्जाम डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी और तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम आईडी जो है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग एसएसबी और रिटन एग्जामिनेशन, किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर हेल्प। चलिए तो आज के क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल से। बताइएगा, हु इज द हेड ऑफ द डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल ने कुछ एक प्रिक्योरमेंट अभी हाल ही के अंदर करी थी, जिसकी वजह से न्यूज में रहता है। इंडिया में डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल प्रिक्योरमेंट यानी कि हथियार खरीद वगैरह के लिए सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इसमें सीडीएस, चीफ ऑफ द स्टाफ, सभी लोग जो है वो शामिल होते हैं। रक्षा मंत्री इसके हेड होते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि आंसर इज सी। डिफेंस मिनिस्टर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल और डिफेंस मिनिस्टर इज द हाइएस्ट अथॉरिटी और डिफेंस मिनिस्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए ओके, नाउ डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल जो है उन्होंने प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट वर्थ 22,800 करोड़ किया है। फोकस वॉज ऑन मेक इन इंडिया इनिशियटिव, थर्मल इमेजिंग, नाइट साइट्स ऑफ असॉल्ट राइफल्स खरीदा है इन्होंने। दूसरी तरफ ये जो है वो एयरबॉर्न अवाक सिस्टम भी खरीदा है इन्होंने। दूसरी चीज क्या आ रही है उसके अलावा, एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, P8I लॉन्ग रेंज पिस्टल्स और ट्विन इंजन हैवी हेलीकॉप्टर खरीदा, थर्मल इमेजिंग, नाइट साइट्स खरीदा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 22,800 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है। दूसरी चीज ये याद आ रही है कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल ने टोटल 111 आइटम्स पे रोक लगा दी थी पिछले साल मेक इन इंडिया के अंतर्गत, कि उनको अब खरीदना जो है वो बैन रहेगा। डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसा मैंने अभी बताया, एंड इसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं एंड ये ग्रुप जो है वो बना था 2001 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इज ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, हर साल लगभग होती है और कौन से दो देशों के बीच में हो रही है आपको पता होना चाहिए। इंदिरा बहुत बार पूछी भी गई है एनडीए सीडीएस के सभी एग्जाम्स के हिसाब से, इंपॉर्टेंट है कौन से कंट्रीज के बीच में हो रही है। तो ध्यान रख लीजिएगा, इंडिया एंड रशिया, इंदिरा जो है उसके नाम से पता चल जाएगा, इंडिया एंड रशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। आंसर क्या होगा? इंडिया एंड रशिया। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े तो इंदिरा नेवी के बारे में जो है वो एक्सरसाइज जिस साल हुई थी उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन से शिप्स में इसने पार्टिसिपेट किया था और ये कब से कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर 2020 के अंदर ये जो है वो हुई थी, बे ऑफ बंगाल के अंदर हुई थी, ये बात भी याद रखने लायक है। और इसमें कौन से शिप्स में पार्टिसिपेट किया है, तो ये जो है वो यहाँ पर रणविजय, ठीक है, और शियादरी, इन दो शिप्स का नाम जो है वो ध्यान रखने लायक है। चलो खैर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इंडिविजुअली कि आप शिप का नाम याद रखें, बट आजकल क्या हो रहा है कि कुछ एक ऑपरेशंस को लेकर, जैसे आगे हम देखेंगे ऑपरेशन जो सागर है 3 और 4 उसकी बात करेंगे, तो उसमें कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया था, ऐसा क्वेश्चन अभी सीडीएस में आया ही था, तो ये जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़े, विच कंट्री होस्टेड द कवकास 2020 एक्सरसाइज। ये कवकास 2020 एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जा रही है। क्यों? कारण था, पिछले साल जो है वो इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है आपको। और ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, ध्यान रख लीजिएगा, एससीओ कंट्रीज के लिए रशिया ने इस एक्सरसाइज को जो है वो होस्ट किया था। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया रशिया, सी, है ना। और कवकास एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। एक और चीज जो याद रखनी है आपको, ये कहाँ पे, अस्तकरान या अस्तकान प्रोविंस ऑफ सदर्न रशिया में हुई थी ये 2020 के अंदर। कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया ऐसा पूछ लेता, तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑल्सो उन्होंने कॉकेसस माउंटेन, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उन लोगों को ध्यान होगा कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसको कॉकेसस माउंटेन कहा जाता है, कॉकेसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये किसके द्वारा होती है, ये एससीओ मेंबर कंट्रीज के लिए हुई थी, एंड एससीओ में इंडिया मेंबर है, बट एससीओ में इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ये एक्सरसाइज थी, वॉर एक्सरसाइज थी, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा,
कि अवकाश एक्साइज जो है वो एससीओ मेंबर्स कौन कौन है वो भी याद रखना है आपको। एससीओ पे एक आगे क्वेश्चन और रहेगा, अभी इस साल जो एक्सरसाइज होनी है एससीओ की वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की बात करें, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो कौन से फाइटर जेट से एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखिएगा गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इज एसोसिएटेड विद द राफेल फाइटर प्लेन। राफेल फाइटर जेट से जो है वो गोल्डन एरोज का संबंध है। आई होप कि ये तो सभी को आता होगा क्योंकि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनने इसके बारे में जरूर पढ़ लिया था या देख लिया था सुन लिया था उस टाइम पे जब ये न्यूज में आया था। आगे बढ़ रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकमीशनड एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज न्यूज फॉर डिसमेंटलिंग रिसेंटली। अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है कि इसको जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसिडर किया जा रहा है, फिर इसको आप म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं वगैरह, इस पर लेकर अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा हंगामा चला था एंड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि न्यूज में रहा है। तो इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली दोज गोइंग फॉर नेवल एसएसबी, जो भी नेवी के एसएसबी वगैरह के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता ही है। दूसरी तरफ आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए कि इंडिया के पास में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में भी आता ही है, चाहे आप सीडीएस दें एफकैट दें कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आईएनएस विराट आएगा। आईएनएस विराट जो है उसको अभी हाल ही के अंदर डीकमीशन कर दिया गया था, और आईएनएस विक्रांत जो है उसका नाम तो हम पहले ही देखते रहे कि आईएनएस विक्रांत जो है उसकी बाइक बेची गई थी बजाज के द्वारा, आईएनएस विक्रमादित्य ये अभी सर्विस में है, आईएनएस विशाल बन रहा है, तो आईएनएस विराट यहाँ पर आंसर होगा। आईएनएस विराट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, 1959 के अंदर इतना पुराना शिप है देख सकते हैं कि ये जो है वो रॉयल नेवी एचएमएस हर्म्स के नाम से था ये, फिर ये इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया गया था 1987 में, इंडिया को बेचा गया था। विराट वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन 1987, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये 2007 में जो है वो 17 में जो है वो डीकमीशन कर दिया गया था। अभी इसको गुजरात के अलंग में तोड़ने की बात चल रही थी, अलंग नाम की जगह गुजरात में जहां पे शिप्स वगैरह को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट, आंसर क्या आएगा, राफेल पायलट यानी कि राफेल प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गए इंडिया में। ये फर्स्ट वाला जो है ना वो दो तीन बार अभी सीडीएस एनडीए में पहले भी पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट रख लेते हैं क्योंकि राफेल फाइटर प्लेन जो है वो अभी एयरफोर्स का बहुत मेजर प्लेन है और इस वजह से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहेगा, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कौन सी कंट्री से लिया है, फ्रांस से, कौन सी कंपनी ने बनाया है, डसॉल्ट कंपनी का बनाया हुआ प्लेन है राफेल प्लेन जो है वो, और इसमें शिवांगी सिंह बी इसका राइट आंसर होगा, शिवांगी सिंह जो है वो इस प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला बन जाएंगी भारतीय। चलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इसमें नाम दिया हुआ है, इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि एयरफोर्स में इनको 10 सितंबर को लिया गया था, इंडक्टेड राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को कब ले लिया गया था, 10 सितंबर को ले लिया गया था, और इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर दी हुई है। 17 स्क्वाड्रन जो है जिसको गोल्डन एरोज अभी बात की थी उससे जुड़ा हुआ है और गोल्डन एरोज में जो है वो शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगली एक्सरसाइज जिसका नाम पूछा गया वो जाइमेक्स। जाइमेक्स इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो जैसे ही आप यहाँ पे नाम से देख रहे हो, देखो ई एक्स जब भी देखोगे तो एक्सरसाइज होता है, एम तो मैरीटाइम होता है यानी कि शिप से जुड़ी हुई है, और जे आई यानी कि जापान एंड इंडिया, तो आंसर क्या होगा, ए जापान एंड इंडिया, ठीक है, जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जेमैक्स, ठीक है। जेमैक्स 2020 एक्सरसाइज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि याद रखें, बट हुई कहाँ है तो ये विशाखापट्टनम इंडिया के अंदर हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, बताइएगा एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, ऑब्वियसली अक्टूबर के मंथ में आता है कि सारे ऑप्शन अक्टूबर से जुड़े हुए हैं, तो ए क्या होगा, ए होगा 8 अक्टूबर, ठीक है, ये याद रखने लायक फैक्ट है बिकॉज स्पेशली जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो इस तरीके की चीज आपको याद होनी ही चाहिए, एयरफोर्स डे, नेवी डे एंड आर्मी डे तीनों याद होने चाहिए, तीनों आ जाएंगे आज की क्लास में। रुद्राम मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज व्हाट टाइप ऑफ अ मिसाइल, तो रुद्राम मिसाइल जो है वो किस तरीके की मिसाइल है, अभी थोड़े दिन पहले आया था, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्राम। रुद्राम मिसाइल के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्राम 1, दीज आर डिजाइन टू डिटेक्ट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द एडवर्सरीज रडार कम्युनिकेशन एसेट्स एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज विच आर जनरली पार्ट ऑफ देयर एयर डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, विच इज कॉल्ड रुद्राम 1 एंड द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर उड़ीसा, बालासोर में है उड़ीसा, टेस्ट रेंज जो है बालासोर में, ये बात भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके अलावा रुद्राम फर्स्ट ऐसी इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में ही बनी हुई एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि सुकोई 30 एमकेआई एयरक्राफ्ट जो है उससे लॉन्च की जा सकती है
एंड यहाँ पे जो है वो इसकी लॉन्च की रेंज जो है वो 500 मीटर ऊपर से 15 किलोमीटर तक स्पीड्स जो है वो 0.6 से 2 मैक तक ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हालांकि रुद्राम का नाम डायरेक्टली पूछता है तो आपको ये रेंज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, मत रटिएगा, बट ये जरूर याद रख लीजिएगा कि रुद्राम क्या है। रुद्राम इज अ एंटी रेडिएशन मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इज यूज इन विच फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बैक टू बैक परीक्षण जो है वो टेस्ट जो है वो हुए हैं। अभी ब्रह्मोस मिसाइल को बाकी कंट्रीज को, कुछ एक कंट्रीज को बेचने की भी बात जो है वो चल रही थी, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ब्रह्मोस के बैक टू बैक मिसाइल जो है वो टेस्टिंग हुई है तीनों फोर्सेस के द्वारा, तो ये ऑल ऑफ द अबाव होगा। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि तीनों फोर्सेज यूज कर सकती है, तो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मिसाइल्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, मैंने आपको लिंक यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा और वहां पे आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, क्या उनकी रेंज है वगैरह, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी आपको। और पीडीएफ आपको इसका चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा डिफेंस उपदेश के नाम से, उससे मिल जाएगी। चलो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज एंटी शेप मोड वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, ठीक है, ये हुआ था। ब्रह्मपुत्र मॉस्कोवा रवि रिवर्स और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम से मिलकर बनाए ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके बीच में ज्वाइंट वेंचर है? इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और तीनों फोर्सेस इसको यूज करती हैं, तो ये बात भी याद रखने लायक है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड माशिनोस्त्रो येनिया ऑफ रशिया, ये जो कंपनी है, इन दोनों कंपनीज के बीच में कोलेबोरेशन से बनी हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को नदी के नाम से मिलकर बनी हुई है ये मिसाइल का नाम ब्रह्मोस, ठीक है। चलो, स्लाइनेक्स 2020, अगला क्वेश्चन क्या है? स्लाइनेक्स 2020 एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में? मैंने बताया था ना, अगर आपको एन ई एक्स मिल जाए तो एक्सरसाइज, एन मतलब नेवल होगा और एस एल और आई, तो इंडिया तो है ही है इसमें, श्रीलंका है दूसरा कंट्री, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स 2020। मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 2020 इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है, कहां पे हुई है? त्रिनकोमाली श्रीलंका के अंदर हुई है। कौन सी जगह पे हुई? श्रीलंका में हुई है। डायरेक्टली आपको पूरी जगह है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में हुई तो जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया में होती तो कई बार पूछ लेते हैं। विशाखापट्टनम में इससे पहले हुई थी 2019 में, हालांकि वो पुराना हो गया तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन मालाबार एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपको ध्यान होना चाहिए, मालाबार एक्सरसाइज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस साल, इसके पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। पिछली बार एनडीए सीडीएस में, अभी एनडीए के पेपर में या सीडीएस के पेपर में मालाबार पे एक्सरसाइज आया, पे क्वेश्चन आया था। मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार कौन सी कंट्री ने जो है वो हिस्सा लिया है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस बार जो है बहुत टाइम बाद, पहली बार नहीं बोल सकते एक्चुअली, बहुत टाइम बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने फिर से इसमें हिस्सा लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैज पार्टिसिपेटेड, इनमें से जो कंट्रीज हैं उनमें से ऑस्ट्रेलिया ने इसमें बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद पार्टिसिपेट किया है, एंड एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रही है। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इट इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स सिमुलेटेड वॉर गेम्स एंड कॉम्बैट मैन्यूवर्स। 1992 में शुरू हुई थी एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, बिटवीन इंडियन एंड यूएस नेवी, ठीक है, इंडिया और यूएस नेवी के बीच में हुई थी। उसके बाद में जापान ने इसमें 2015 से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और क्वाड जिस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनकर बढ़ा, तो जिन स्टूडेंट्स को क्वाड के बारे में नहीं पता, भैया एग्जाम से पहले देख के जरूर चल जाना, क्वाड में जरूर क्वेश्चन इस बार बहुत बार आ रहे हैं। तो दिस ईयर द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन टू फेसेज, द फर्स्ट ऑफ द कोस्ट नियर विशाखापट्टनम एंड द सेकंड इन द अरेबियन सी इन मिड नवंबर। ये दो फेसेज में हुई है, एक अरेबियन सी फेज में हुआ है और दूसरा जो है विशाखापट्टनम के पास में हुआ है, सेकंड फेज जो है, और फर्स्ट जो है वो हुआ था यहाँ पे विशाखापट्टनम, सेकंड फेज अरेबियन सी में मिड नवंबर में हुआ, तो ये दो ही याद रखने आपको। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डिकेड द एक्सरसाइज विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल फोर क्वाड कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सभी क्वाड मेंबर कंट्रीज जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस विल बी द सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट, ठीक है, इन 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले इसमें पार्टिसिपेट किया था, टू मालाबार एक्सरसाइजेस, ठीक है, और द फर्स्ट वॉज हेल्ड इन ओकिनावा आइलैंड ऑफ जापान इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड द फर्स्ट टाइम द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड अवे फ्रॉम इंडियन शोर्स, इंडिया से दूर जो है वो सेकंड हुई थी, दूर ओकिनावा जापान में हुई थी। उसके बाद में सितंबर 2007 के अंदर विशाखापट्टनम में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कौन कौन सी नेवीज ने हिस्सा लिया था? तो इसमें इंडिया ने, जापान ने, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर ने हिस्सा लिया था, ये इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है नाग मिसाइल से जुड़ा हुआ, नाग मिसाइल इज विच टाइप ऑफ मिसाइल, तो याद रखिएगा नाग मिसाइल जो है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, तो नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, ये बात याद रखिएगा, एंटी टैंक मिसाइल है नाग, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स इज रिसेंटली इंडक्टेड इन इंडियन नेवी, इनमें से कौन से शिप को रिसेंटली इंडियन नेवी में जो है वो शामिल किया गया है बताइएगा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, INS कवराती का नाम याद रख लीजिएगा। कारण क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो INS कवराती जो है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है, INS कवराती P-31 के नाम से जाना जाता है, इट इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्पोरेट ऑफ द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 28, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट ऑफ द फोर कोमराता क्लास या कामोरता क्लास कवरेट अंडर द वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडक्शन विद द इंडियन नेवी, तो ये कामोरता क्लास के जो है वो शिप्स में से एक है, और कामोरता क्लास जो है वो उसमें से कौन कौन से आ रहे हैं, INS कामोरता, कदमत और INS कील्टन, ये INS कील्टन का नाम आगे फिर आएगा तो ध्यान रख लेना है, INS कील्टन को तो इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। शिप वॉज बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड इंजीनियर्स, ये कोलकाता में स्थित एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए शिप्स बनाने का काम करती है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। और यहाँ पर INS कवराती जो है वो अभी हाल ही में इंडियन नेवी के अंदर शामिल कर दिया गया है, चारों शिप का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कवराती पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि INS कवराती देकर भी पूछ सकते हैं कि क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, करात एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो देखो ये अभी थोड़े दिन पहले ही CDS का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो करात एक्सरसाइज जो है CARAT कैरेट एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी यूएसए एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, यूएसए एंड बांग्लादेश के बीच में हुई थी ये एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के अंदर करात एक्सरसाइज की बात हो रही है, कॉर्पोरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करात इज अ सीरीज ऑफ एनुअल bilateral मिलिट्री exercises कंडक्टेड बाई यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक फ्लीट विद सेवरल मेंबर nations ऑफ ASEAN इन साउथ ईस्ट एशिया, करंटली नेवीज ऑफ बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड पार्टिसिपेट, तो ये सारे ASEAN कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन से हैं ये, ASEAN कंट्रीज है, इसमें बांग्लादेश भी है, जबकि बांग्लादेश ASEAN मेंबर नहीं है, बट फिर भी ये जो है वो किसके में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये बात याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में ASEAN के अलावा भी, मतलब बांग्लादेश के साथ में कराट एक्सरसाइज हो रही है, किसके साथ में हो रही है, अमेरिका के साथ में हो रही है, तो ये न्यूज में रहा था, और इस पे CDS में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट था UPSC के हिसाब से, बट अब एक बार के लिए आप इसको साइड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो QRSAM की बात कर रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, तो QRSAM शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म बनाना सीख लो, SAM जहां भी आ जाए, तो SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, SAM का मतलब भी सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, तो ये कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सी इसका सही आंसर होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। QRSAM के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, QRSAM का फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और यहाँ पे DRDO द्वारा बनाई गई है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम फ्रॉम बेस इन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज SITMEX 20, तो SITMEX 20 एक्सरसाइज जो है उसका हिस्सा कौन सा देश नहीं है, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज SITMEX 20, तो SITMEX, तो MEX तो समझ में आ गया, अब ये S तो एक कुछ ना कुछ होगा, सिंगापुर, श्रीलंका कुछ तो होगा, ठीक है, उसके बाद में यहां पे सिंगापुर है, देखो नॉट पार्ट ऑफ ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम में, अगर नॉट पूछ ले तो देखो एस मतलब सिंगापुर तो होने के चांसेस हैं, अब आई तो इंडिया या इंडोनेशिया में से एक ही हो सकता है, और टी मतलब थाईलैंड हो सकता है, तो इंडिया या इंडोनेशिया में से हो सकता है, तो हमें चांसेस ये है कि इंडिया इसमें होगा ही होगा, तो एक इंडोनेशिया नहीं है इसमें, एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इंडोनेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ SITMEX, SITMEX में इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, SITMEX इज अ ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज ऑफ अंडमान सी, इसमें तीन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन नेवी शिप्स इंक्लूडिंग इंडिजीनियस बिल्ड ASW कोवरेट कामोरता जो अभी बात की थी हमने, और कारमुक, ये इन्होंने हिस्सा लिया है, ये सिंगापुर थाईलैंड के साथ में मिलकर होने वाली एक्सरसाइज अंडमान सी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय DRDO फॉर इंडियन नेवी, बताइए कि इंडियन नेवी द्वारा या इंडियन नेवी के लिए DRDO द्वारा डेवलप जो है वो कौन सी मिसाइल इनमें से होगी, तो जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं या फिर जिनको हिंदी नहीं पता है उन लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको हिंदी का बेसिक आइडिया भी है, देखो नाम पढ़ने से पता चल जाएगा, ये इंडियन नेवी के लिए है,
तो इसमें वरुण शब्द आ गया, वरुण का मतलब होता है पानी, ठीक है, वरुणास्त्र यानी कि वरुण जो है उसके बाद में वरुणास्त्र आप जोड़ दीजिए तो हिंदी में जो है वो आसानी से इसका मतलब बन जाएगा कि वरुण का अस्त्र यानी कि पानी से जुड़ा हुआ है, डी इज द राइट आंसर, तो इसमें वरुणास्त्र जो है वो आपका सही आंसर है। वरुणास्त्र के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेवी हैज लीज द पेयर ऑफ MQ-9B सी गार्जियन अनमैंड एरियल व्हीकल्स। ये UAV जो है ये कौन सी कंट्री से लिया है इंडिया ने, MQ-9B सी गार्जियन, ठीक है, अनमैंड एरियल व्हीकल यानी कि UAV जो है ये कौन सी कंट्री से इंडिया ने लीज पर लिया। देखो लीज पर लेने की बात हो रही है, खरीदने की बात नहीं हो रही है, किस पे लिया, भाड़े पे लिया एक तरीके से, तो ये कहां का है तो याद रखिएगा ये USA से लिया है, सी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डील हुई थी पिछले साल अमेरिका और इंडिया के बीच में, जिसको BCA बैका कहा जाता है, BCA एग्रीमेंट के बाद में इंडिया अब जो है वो अमेरिका की जो सोफेस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनका इस्तेमाल कर पाएगा। बैका कॉमकासा वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो लिंक मिल जाएगा आपको चैनल पे ही, एक वीडियो बनाया हुआ तो उसको देख सकते हैं आप, वहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो MQ-9B सी गार्जियन अनमैन ड्रोन जो है या अनआर्म ड्रोन जो है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। द गार्जियन विच इज द मैरिटाइम वेरिएंट ऑफ प्रेडेटर 9 MQ-9 UAV। देखो ये प्रेडेटर ड्रोन जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो प्रेडेटर ड्रोन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना प्रेडेटर ड्रोन जो है वो अमेरिका का है, ये भी अमेरिका से इंडिया लेने की बात कर रहा था, तो इसी का सी वर्जन जो है उसको सी गार्जियन कहा जाता है। 40 आवर्स तक की फ्लाइंग है इसकी और एल्टीट्यूड 40,000 फीट तक का है। 360 डिग्री मैरिटाइम सर्वेलेंस यानी कि चारों तरफ जो है वो नजर रख सकता है। रडार है, ऑपरेशनल मल्टीमोड मैरिटाइम सरफेस सर्च रडार है इसमें। रिसेंटली रिलीज डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोसीजर 2020 हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑप्शन टू लीजिंग मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, यानी कि मिलिट्री जो हार्डवेयर है, मिलिट्री जो इक्विपमेंट है उनको लीज करने का ऑप्शन जो है वो अब डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी आई है 2020 की उसके अंदर दिया गया है। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑफ जियो स्पेटियल कॉर्पोरेशन बैका, देखो ये इसी की बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, बैका एग्रीमेंट जो है ना, इस बैका एग्रीमेंट के चलते हुए इंडिया जो है वो ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास ही थी पहले उसको अब जो है वो यूज कर पाएगा, क्योंकि अमेरिकन सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो कंट्रीज बैका के मेंबर नहीं है उनको इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करने देती है, तो बेसिकली अमेरिका के साथ में बैका एग्रीमेंट करने का इंडिया को कुछ फायदा है, उसके बारे में पूरा वीडियो है तो आप देख सकते हैं बैका क्या है। हालांकि अभी एग्जाम के हिसाब से मत देखिए, UPSC का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा NDA वगैरह का CDS का तो आप लोग जो है वो उसके बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, SSB के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। BECA बैका एग्रीमेंट पिछले साल हुआ था तो ये हुआ तो रिसेंट में ही है, तो फुल फॉर्म जरूर आपसे आने के चांसेस रह सकते हैं, तो चलो देख ही लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मान सकते हैं इसको आप। चलिए, आर्मी चीफ इज गिवन द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल इन विच आर्मी। दो इंडियन आर्मी चीफ, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की बात कर रहे हैं हम, और आर्मी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इनको ऑनररी रैंक ऑफ अ जनरल इन इज गिवन इन विच आर्मी। ध्यान रखिएगा ये नेपाल के साथ में इंडिया के में होता है, इंडिया के नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं उनको आपस में एक दूसरे की आर्मीज में जो है वो क्या दे दिया जाता है, ऑनररी जनरल का रैंक दिया जाता है। तो मनोज मुकुंद नरवाने जब बने थे उसके बाद में उनको क्या दे दिया गया, उनको नेपाल की आर्मी में भी जनरल की रैंक जो है वो दी गई थी, ये नेपाल की विजिट पे गए थे तब ऐसा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवी शिप विच हैज डिलीवर्ड सप्लाईज टू वियतनाम एंड कंबोडिया अंडर मिशन सागर 3। देखो ये वो शिप का एग्जांपल आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते रहे कि कौन से शिप ने कौन सी वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ऐसा CDS NDA में क्वेश्चन आए, तो खास तौर से अभी CDS में आ गया था यही इस तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन कि मिशन सागर 1 और 2 में कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये बात याद रखने वाली रहती है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा INS किल्तन। ये INS किल्तन वही अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, पहले के क्वेश्चंस में देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कमोरता क्लास के अंदर था INS किल्तन। टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो स्टोर्स है फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ कंबोडिया, वहां पे फ्लड से जूझने के लिए सहायता प्रदान करी भारत ने। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मिशन सागर के बारे में बताया गया, मिशन सागर 3 इज पार्ट ऑफ इंडियाज HADR असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पेंडेमिक। अब ये मिशन सागर का हिस्सा है। अब मिशन सागर क्या है, मिशन सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
एंड रीट्रेट्स इंडियाज पोजिशन एज द डिपेंडेबल पार्टनर एंड द इंडियन नेवी एज द प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर. मिशन सागर के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सभी को अपने आसपास के रीजन के अंदर इंडिया जो है वो हेल्प करे और सभी कंट्रीज की सहायता प्रदान करे, सभी तरीके से इंडियन नेवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, कम से कम आइलैंड कंट्रीज जो है इंडिया के आसपास इंडियन ओशन रीजन में. तो जैसे देखेंगे मिशन सागर 3 के अंदर तो कंबोडिया वियतनाम पहुंच गए, मिशन सागर 4 के अंदर आगे जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कॉमोरोस के अंदर और मेडागास्कर के अंदर पहुंचे. उससे पहले मिशन सागर 2 देखेंगे तो मिशन सागर 2 के अंदर इजिप्ट के अंदर, सूडान वगैरह के अंदर भी सहायता राशि प्रदान करी थी या सहायता पहुंचाई थी. तो ये सब न्यूज में चल रहा है, पिछले 1.5 साल से चल रहा है ये मिशन सागर. तो मिशन सागर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये मिशन सागर का भी फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा. और ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको थोड़ा सा याद रख लें. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव परचेज सबमरीन्स INS सिंधु वी फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे आंसर हमारे पास में आएगा, यहाँ पे म्यांमार आएगा. ठीक है, म्यांमार नेवी ने अभी हाल ही के अंदर जो है वो INS सिंधु वीर सबमरीन जो है वो इंडिया से खरीदी थी. INS सिंधु वीर सबमरीन वॉज इंडक्टेड इन बाय द इंडियन नेवी. ठीक है, तो अक्टूबर 2020 के अंदर INS सिंधु वीर जो सबमरीन है उसको म्यांमार नेवी में इंडक्ट किया गया. तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा. ठीक है, INS सिंधु वीर वॉज कमीशनड ऑन 25 December 2020 विच मार्क द 73rd एनिवर्सरी ऑफ द म्यांमार नेवी. ठीक है, इसीलिए INS सिंधु वीर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी. ये डायरेक्टली डिफेंस से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है. दूसरा, म्यांमार अपने आप में न्यूज में है ही, आप सबको ध्यान है कि म्यांमार में अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री ने जो है वो रूल अपना कर लिया था, इसकी वजह से न्यूज में था. हाँ, INS सिंधु वीर के अलावा आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जो INS सिंधु वीर का नया नाम है मेने थेनकाथू, ये जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस INS सिंधु भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो इसको याद रखें. अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंडो कॉर्पेट इज अ पेट्रोल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज. तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, क्या फुल फॉर्म है इसका कॉर्पेट का, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज. तो कॉर्पेट जो एक्सरसाइज है वो कौन से दो देशों के बीच में हुई है, इंडिया इंडो, यानी कि साफ से नाम से पता चल रहा है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई होगी, डी इसका आंसर होगा. ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई है थोड़े दिन पहले. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इंडिया का कुलिश नाम से शिप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था. आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री विल होल्ड द नेवल एक्सरसाइज अमन 2021. तो अमन 2021 एक्सरसाइज जो है वो कौन से देश द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो हुई है, रिसेंट में न्यूज में थी, आपको मुझको बताना है कौन सी कंट्री द्वारा अमन 2021 एक्सरसाइज जो है वो शुरू करी गई थी. बताइए भाई, अमन 2021 एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई थी. देखो याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अकम्प्लिशमेंट रहा अमन 21. कारण क्या है, अमन 21 एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 38 अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एज ऑब्जर्वर्स, इस पे 38 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था. यहाँ पे नाम देख सकते हो, टर्की, US, UK, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, मलेशिया, रशिया, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बात थी. ठीक है, और ये कराची पाकिस्तान के अंदर हुई है, ये बात याद रखनी है, इंडियन ओशन के अंदर है. अमन अब बायनुअल मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइज है, कौन से देश द्वारा हुई है, ये पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइज की है, इंपॉर्टेंट रह सकता है, ध्यान रख लें. बांग्लादेश वॉर विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. तो बांग्लादेश वॉर विक्ट्री जो है वो कब हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंडियन आर्मीज वगैरह के लिए जो है वो, इंडियन एयरफोर्स वगैरह के लिए, नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा अकम्प्लिशमेंट है ये. बांग्लादेश को आजाद कब करवाया था भारत ने, 1971 के अंदर, और कौन से दिन को मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं. 16 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द बांग्लादेश लिबरेशन डे. ठीक है, विक्ट्री डे, जिसको क्या माना जाता है, विजय दिवस या दिवस, दिबोस भी बोल सकते हो, दिबोस. तो विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, विजय दिवस और विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन December 16. जो पाकिस्तान के ऊपर फोर्सेस ने हमने जो जीत हासिल करी थी उसके बारे में 1971 में बांग्लादेश वॉर के दौरान, इसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 93,000 ट्रूप्स ने पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया था. फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहला सबसे बड़ा सरेंडर ऐसा है इंडियन हिस्ट्री में भी, मान लो इंडियन हिस्ट्री में तो पहला ही है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सरेंडर है, जिसमें अब्दुल खान नियाजी जो थे, जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे उस टाइम पे बांग्लादेश वाली साइड पे, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ में इंडियन आर्मी के सामने समर्पण कर दिया था 1971 वॉर के बाद में. तो मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी की हेल्प से जो है बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी, और ये कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा.
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल बांग्लादेश के साथ में इंडिया के संबंधों के 50 साल हुए, देखो 50 साल हुए हैं, तो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इसके, ये आपसे इंपॉर्टेंटली आ सकता है, ध्यान रख ले। बांग्लादेश से जुड़े हुए दो तीन क्वेश्चन और लेंगे, आगे देख लेते हैं। यूएसए हैज पुट सैंक्शन ऑन विच कंट्री फॉर परचेजिंग S-400 मिसाइल सिस्टम, ये S-400 मिसाइल सिस्टम जो है इसको खरीदने के लिए कौन से कंट्री पर सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा दिए हैं अमेरिका ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया द्वारा डेवलप्ड है, ये बात याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया ने भी खरीदा है ये बात भी याद रखनी है, और किससे खरीदा है, रशिया से खरीदा है ये बात भी याद रखनी है, और टर्की ने जब ये मिसाइल सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने टर्की पर बैन लगा दिया था, इस वजह से ये न्यूज में था, क्योंकि टर्की और अमेरिका जो है वो एक तरीके से क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पार्टनर में है टर्की, और अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, खासतौर से नेटो वगैरह में भी, तो टर्की का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना अमेरिका को पसंद नहीं आया, अमेरिका S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए इंडिया को भी मना कर रहा था, ये बात याद रखें, इंडिया को भी मना कर रहा था, बट इंडिया ने जो है वो उनकी नहीं सुनी, इंडिया कह रहा है कि हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, सीधी सी बात है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया कहीं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम है भैया आज की तारीख में, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, SAM मिसाइल सिस्टम है, ध्यान रखना, डेवलप्ड बाय रशिया, S-400 ट्राइम के नाम से जाना जाता है इसको, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, हालांकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखें कि किस कंट्री द्वारा डेवलप किया है, बाय रशिया, ठीक है, बाय रशिया, और ये याद रखें कि कौन सी कंट्रीज ने इनको खरीदा है, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडिया, बेलारूस, ये कंट्रीज जो है वो इसको खरीदने की उसमें फिराक में है, सब इसमें मतलब खरीद चुके हैं इसको, तो ये इस वजह से न्यूज में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड का सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है ये। What is the name of second ship of Project 17A launched for Indian Navy? तो इंडिया का इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17A नाम से जो शिप प्रोजेक्ट है, इस 17A प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो एक्स्ट्रा एक नया शिप आया है इंडियन नेवी के अंदर, इसका क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, INS हिमगिरी नया शिप है जो कि इंडिया के इसमें शामिल किया गया है। तो हिमगिरी और नीलगिरी ये दो शिप हैं। प्रोजेक्ट 17A के अंदर नीलगिरी क्लास फ्रेजर शिप में आते हैं जिसको प्रोजेक्ट 17A कहा जाता है, ठीक है, और ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। टोटल 7 शिप्स हैं इसके अंदर, मजगांव डॉक जो है बॉम्बे में, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है GARSE जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, कलकत्ता में ये शिप्स बना रही है, ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज क्या आ रही है, इनको किसके नाम पे रखा जाएगा, इंडिया में हिल रेंजेस माउंटेन रेंजेस के नाम पे रखा जाएगा, हिमगिरी नीलगिरी ऐसे। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट शिप स्टार्टेड इन 2017 एंड द फर्स्ट शिप इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बाय 2022। तो इन पे ट्रायल चल रहे हैं, हालांकि अभी ये जो शिप आया है ये इंडियन नेवी का शिप है जिसको लॉन्च किया, लॉन्च करने का मतलब होता है समुद्र में इसकी ट्रायल चालू हो गई है, ये इंडियन नेवी में मिला नहीं है, कमीशन बोल लिखा होता है ना तब मिलता है, जब लिखाओ कमीशन तो कमीशन में मिलता है, लॉन्च का मतलब होता है इसकी समुद्र में इसको डाल दिया गया है, इसकी बाकी तैयारी जो है वो कि ये तैर रहा है नहीं तैर रहा है, और फिर उसके बाद में इसको लॉन्च करने के बाद में इस पे बाकी इक्विपमेंट लगाना वगैरह ये वाली सारी चीजें, इसका सी ट्रायल वगैरह ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी अब, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। प्रोजेक्ट 17A के दो शिप है, नीलगिरी और हिमगिरी, जैसा मैंने अभी बताया। बताइए इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, याद रखिएगा। ये भी बांग्लादेश वॉर से जुड़ा हुआ है, 1971 के अंदर कराची बंदरगाह को इंडियन नेवी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 4 दिसंबर को, और उसके बाद में कराची बंदरगाह जो है वो 7 दिन तक जलता रहा था, ऐसा बताया जाता है, एंड दैट इज द रीजन इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December, ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th December 1971 याद रखें। अगला क्वेश्चन है, शाहीन एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, शाहीन एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास है ये कौन से देशों के बीच में होने वाला है, तो देखो नाम से पता चल जाएगा शाहीन, इसमें इंडिया तो है नहीं कहीं ऑप्शन में, अब शाहीन एक इंडिया बांग्लादेश का ऑप्शन मिल रहा था अपने को, बट नहीं है ये, तो आंसर क्या आएगा इसमें, शाहीन एक्सरसाइज जो है वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में होती है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जैसे मानी जाती है, और चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं अभी उसको देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है, तो शाहीन एक्सरसाइज जो है उसका मतलब क्या होता है, ईगल, तो शाहीन एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में हो रही है, लिबरेशन पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में हो रही है,
और ये ध्यान रखने वाला है ये 2011 से हो रही है, ठीक है, 2011 से रेगुलरली पाकिस्तान और चाइना के बीच में हो रही है, ये हर मौसम के साथी हैं, ये पाकिस्तान को छोड़ना चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया के अगेंस्ट में उसको चाहिए कोई ना कोई काउंटर बैलेंस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो चाइना के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता आज की तारीख में, ये हालत हो रखी है उनकी, हालत खराब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी, इट्स नेम इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड। देखो एक तो खुद ही इंडिया में बनी हुई मशीन पिस्टल, 9mm मशीन पिस्टल की बात हो रही है, और ये जॉइंटली डेवलप करी गई, मिलकर डेवलप की है डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने। इसका नाम क्या दिया गया है याद रखना, असमी इसका नाम है, असमी, ठीक है, असमी इसका नाम है, बी असमी, अभी हाल ही में न्यूज में रही थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ और आर्मी द्वारा डेवलप्ड है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस यानी कि मेक इन इंडिया 9mm पिस्टल, है ना, मशीन पिस्टल। इन्फेंट्री स्कूल महो एंड डीआरडीओ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड दिस वेपन यूजिंग देयर रेस्पेक्टिव एक्सपर्टीज इन द कम्प्लीमेंट्री वर्क। तो इन दोनों ने मिलकर जो है वो इसको बनाया है, हालांकि किनने मिलकर बनाया ये पूछेगा नहीं, बट आपसे डायरेक्टली असमी का नाम पूछ सकता है, 9mm पिस्टल डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। तो ये ध्यान रखें असमी, असमी का मतलब क्या होता है, असमी का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क, ठीक है, तो ये इसका मतलब है, असमी का मतलब है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बनाई गई है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है विच नेशंस मिलिट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन इंडिया रिपब्लिक डे परेड 2021, इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में कौन से देश की कंट्री की मिलिट्री ने हिस्सा लिया, भैया बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जैसा मैंने कहा अभी 50 साल हो गए हैं इंडिया और बांग्लादेश नेवी सॉरी आर्मी के कोलेबोरेशन को चलते हुए, बांग्लादेश को आजाद करने में इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी, तो आंसर क्या आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक है, बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी बता दो आप, नेवी डे, एयरफोर्स डे देख चुके हम, आर्मी डे कब आता है, आर्मी डे आता है 15 जनवरी को, बी इज द राइट आंसर, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इज अ एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जो अभी हाल ही के अंदर जोधपुर के पास में हुई थी एक्चुअली, तो ये जो है वो एक्सरसाइज किस कंट्रीज के बीच में हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुई है और इसके बाद तो कोई भी एग्जाम में अभी तक आई नहीं है, तो ये भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब ये फ्रांस के साथ में जो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 है, इसमें खास बात क्या है, खास बात ये कि राफेल द्वारा ही ऑर्गेनाइज करी गई है, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुई है, ये बात भी याद रखे, 22-24 जनवरी 2021 में हुई है, ये बात भी याद रखनी है, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में हुई है, ये भी बात याद रखनी है। यूनिक क्या है, एक्सरसाइज इज यूनिक एज इट इंक्लूड्स फील्डिंग ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट बाय बोथ साइड्स एंड इज इंडिकेटिव ऑफ द ग्रोइंग अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्रीमियर एयरफोर्सेज, द एक्सरसाइज इज यूनिक एज इट इंक्लूड्स फील्डिंग ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट, तो ये किससे हुई है, सिर्फ राफेल से हुई है, ये बात खास है और ध्यान रखने लायक। चलो प्रेजेंटली एयरफोर्स जो फ्रेंच एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किसके अंदर में कर रही है, इनका एक प्रोग्राम जिसको स्काइरोस डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, तो राफेल फाइटर जेट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर कैरिंग आउट वॉर गेम्स कोड नेम्ड एक्सरसाइज स्काइरोस, तो स्काइरोस भी अगर पूछ ले तो किससे जुड़ी हुई है, तो ध्यान रख लेना स्काइरोस फ्रांस से जुड़ी हुई है, फ्रांस इस एक्सरसाइज के अंडर में बाकी देशों के साथ में एशिया में कोलेबोरेशन करता है, और इंडिया के साथ में इसी के अंदर में कौन से में कर रहा है, डेजर्ट नाइट 21, ये याद रखें, डेजर्ट नाइट 21, एक डेजर्ट फ्लैग भी आएगा आगे, ध्यान रखें डेजर्ट नाइट को याद रखें, फ्रांस के साथ में है, राफेल से हुई है, इंडियन एयरफोर्स फ्रेंच एयरफोर्स के बीच। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया एट द रिपब्लिक डे परेड, 26 जनवरी की परेड में किस भारतीय फीमेल फाइटर पायलट ने हिस्सा लिया था इस बार पहली बार, तो ये फीमेल फाइटर पायलट जिन्होंने हिस्सा लिया था पहली बार, इसमें आंसर आ रहा है भावना कांत ए, ठीक है, भावना कांत का नाम याद रखें, भावना कांत जो है वो कौन है, रिपब्लिक डे 2021 में भावना कांत जो है वो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है ऑफ इंडिया एयरफोर्स की, ठीक है, तो ये बात याद रखने लायक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल ऑफ विच लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, डीआरडीओ ने कौन से वेपन सिस्टम के लिए, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल ऑफ विच लॉन्ग रेंज एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम, देखो एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम मतलब अगर मान लो आपको पता चल गया पाकिस्तान में कोई बेस है, एयरफील्ड है, वहां पे एयरक्राफ्ट पार्क किए हुए हैं वगैरह, आप उसको एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करना है, तो
वहां से टेक ऑफ करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो प्लेन वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकते, तो उस वाली कंडीशन के लिए जो एयरक्राफ्ट एंटी एयरफील्ड एयरक्राफ्ट वेपन इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, तो इसका ट्रायल हुआ था, इसको सॉ कहा जाता है, SAAW, याद रखो ये भी ध्यान रखने वाला है। सॉ का फुल फॉर्म क्या है ध्यान रख लेंगे यहां पर, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, SAAW, ठीक है, बहुत आसान है याद रखना, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, DRDO द्वारा बनाया गया, इंडिया में बनाया गया, इसका 9th टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, 5 साल से इसकी टेस्टिंग चल रही है। ये बॉम्ब कैटेगरी में आता है, ग्लाइडिंग बॉम्ब कैटेगरी में आता है, इसका डेवलपमेंट 2012 से 13 में शुरू हुआ था, हालांकि आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, सॉ का फुल फॉर्म है एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और DRDO डेवलप कर रहा है, क्या नाम होगा सॉ याद होगा, याद रख लें सॉ। अगला क्वेश्चन है एमफेक्स एक्सरसाइज 21 एंड कवच एक्सरसाइज, ये दो ऑर्गेनाइज कराई गई है, कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई है इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई ये पूछ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, एमफेक्स 21 एंड कवच एक्सरसाइज ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई थी, तो ये दोनों एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई थी अंडमान सी के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास में, अंडमान सी जो है उस एरिया में ऑर्गेनाइज कराई गई थी, है ना। तो कवच एंड एमफेक्स 21 टूवर्ड्स एनहेंसिंग ज्वाइंट ऑपरेशनल रेडीनेस, इंडियन आर्म फोर्सेज कंडक्टेड अ लार्ज स्केल कंजॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड कवच अलॉन्ग विद एमफेक्स 21 इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। देखो अरेबियन सी वाले एरिया में, सॉरी अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, तो अंडमान आइलैंड में हुई थी ये खास बात याद रखना है। याद रखने वाली बात क्या है कि इस एक्सरसाइज में तीनों फोर्सेज ने मिलकर हिस्सा लिया था, क्योंकि अंडमान निकोबार कमांड जो है वो क्या है, ज्वाइंट कमांड है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। द एक्सरसाइज वॉर कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड विद पार्टिसिपेशन ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, देख लो, एंड आर्मी सदर्न कमांड इन्वॉल्विंग एसेट्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। अब ये ईस्टर्न नेवल कमांड कहां पर है, ये है आपकी वाइजैक में विशाखापट्टनम में, और आर्मी की सदर्न कमांड कहां है, ये पुणे में, और जो कंबाइंड अंडमान निकोबार कमांड है ये कहां है, पोर्ट ब्लेयर में। तो ये तीनों कमांड्स ने मिलकर जो है वो साथ में इसको अंजाम दिया कि एयरफोर्स नेवी और आर्मी तीनों मिलकर जो है वो किस तरीके से काम कर सकती हैं, अगर किसी तरीके की एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है तो कवच एंड एमफेक्स दोनों ही नाम जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कर्नल संतोष बाबू वॉज गिवन विच अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे। देखो इस बार रिपब्लिक डे पे कर्नल संतोष बाबू का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कर्नल संतोष बाबू ने जो सेक्रीफाइस दिया है गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था सारा चाइना के साथ में, उस टाइम पे कर्नल संतोष बाबू वॉज गिवन दिस अवार्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, सबसे हाईएस्ट जो मिलिट्री अवार्ड है, मिलिट्री ऑनर्स है, उसमें से गिना जाता है, और कर्नल संतोष बाबू को दिया गया महावीर चक्र इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये डायरेक्टली एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में आता रहा है कि यार किसको कहां पे क्या अवार्ड मिले, जैसे अशोक चक्र वगैरह मिलते हैं, तो अशोक चक्र पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, पर महावीर चक्र मिलना वो भी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट है, ये बात भी ध्यान रहे। तो महावीर चक्र मिला है ये बात याद रखनी है आपको, कर्नल संतोष बाबू का नाम याद रखना है आपको, महावीर चक्र किसको मिला वो भी पूछ सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि कर्नल संतोष बाबू को क्या मिला, तो ये दोनों ही चीजें याद रखने लायक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ द बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इज कॉल्ड, सेकेंड एडिशन मतलब दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन है किसका, बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली, बाइनियल का मतलब 2 साल में एक बार होने वाली पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में होने वाली, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज यानी कि पूरे कोस्ट में होने वाली, पूरे कोस्ट पे पूरी जो इंडियन कोस्टल बाउंड्री है उसकी निगरानी, उसकी सुरक्षा को लेकर एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई है, क्या नाम दिया गया है, सी विजिल 21, सी विजिल 21 एक्सरसाइज है, ध्यान रखो सी विजिल 21 एक्सरसाइज है, ध्यान रख लेना सी विजिल 21 एक्सरसाइज, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21, ध्यान रखो सी विजिल 21, ध्यान रखना। द सेकेंड एडिशन ऑफ द बाइनियल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल हैज स्टार्टेड इन 2021, एक्सरसाइज इज बीन अंडरटेकन अलॉन्ग विथ 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। The United Nations Convention on the Law of the Sea defines an exclusive economic zone as generally extended 200 nautical miles from the shore. ठीक है, तो ये इसकी पूरी सुरक्षा कैसे होगी, कोस्ट गार्ड्स वगैरह मिलकर इंडियन नेवी के साथ में, और सभी स्टेट्स की पुलिस जो भी इस कोस्ट में आते हैं
उन सब स्टेट की पुलिस मिलकर इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही थी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी एक्सरसाइज माने गया इसको, सी विजिल का नाम डायरेक्टली आ सकता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रोपेक्स 21 सीन इन न्यूज रिसेंटली। ट्रोपेक्स 21 जो है ये न्यूज हमें आया था, ये क्या है? तो देखो मैंने पहले बताया आपको, ईएक्स जहां जाए वो एक्सरसाइज होती है, तो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है वो क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। सी इज द राइट आंसर। तो ट्रोपेक्स में एक्सरसाइज, ईएक्स अलग से देख लो और ट्रोपेक्स मतलब एक्सरसाइज हो गया। क्या है? इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी की लार्जेस्ट, दो साल में एक बार होने वाली थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है, यानी कि पूरी कमांड में जितनी ताकत है वो सारी एक साथ एक्सरसाइज करती है कि भाई हम आज वॉर हो जाएगी तो किस कंडीशन में रहेंगे, कैसे वॉर वगैरह होगी, सारी चीजें इन सबको मिलाकर, ठीक है। और ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है बाकी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस और 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स इन मैरिटाइम डोमेन, यानी कि इंडिया में जो भी नेवल एक्साइजेस, मरीन एक्साइज हैं, उन सबका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ट्रोपेक्स के नाम से एक्साइज। ध्यान रखना इंडियन नेवी के एक्साइज है, ये बात याद रखे। और ऑपरेशनल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी कि पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया की नेवल फोर्सेस किस तरीके से काम कर सकती हैं, मिलजुल के कैसे कोस्ट रीजन को प्रोटेक्ट कर सकती है वगैरह, उसको लेकर है, ठीक है। ध्यान रखना जुड़ी हुई किससे है ये? इससे पहले एम्फेक्स और जो वो एक्सरसाइज हुई थी ना हमारी, एम्फेक्स एक्सरसाइज और कवच एक्सरसाइज, उससे जुड़ी हुई है ये। उसके बाद सी विजिल उसी की, उससे मिलती जुलती है, और फिर ट्रोपेक्स उसी का एक आगे जो है वो अपनी पूरी प्रिपेयरनेस को देखने की नेवी की एक्सरसाइज है ये अपनी। तो ये एम्फेक्स से भी जुड़ी हुई है, बट वो तीनों आर्मीज की थी। फिर उसके बाद में ये जो है वो सी विजिल से जुड़ी हुई, क्योंकि वो नेवी और कोस्ट गार्ड और सब मिलकर कर रहे थे, तो ये ट्रोपेक्स उसी से जुड़ी हुई है, ये बात भी याद रखें। अच्छा एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, 13 कोस्टल स्टेट है इंडिया में। 13 कोस्टल स्टेट है इंडिया में मतलब 13 ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री बाउंड्री लगती है, ये बात भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेवडेक्स 21 नेवल डिफेंस एग्जीबिशन एंड आईडीएक्स 21, ये दो एक्सरसाइजेस कहां पर हुई हैं? नेवल डिफेंस एक्सरसाइज नेवडेक्स, आईडीएक्स इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ये कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज कराई है? ये कौन सी कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज कराई है? आंसर आएगा यूएई ने ऑर्गेनाइज कराई है, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। तो यूएई इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराता है। यूएई जो है जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, नेवडेक्स और आईडेक्स एक्सरसाइजेस को पार्टिसिपेट करवाता है। इंडियन नेवी के शिप प्रलय ने इसमें हिस्सा लिया था अबू धाबी के अंदर जाकर, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। दुबई क्या, अबू धाबी यूएई के अंदर हुआ था ये, और ये कब हुआ था? फरवरी के अंदर हुआ था। आईडेक्स एंड नेवडेक्स आर इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी इन कॉपरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जनरल कमांड ऑफ द यूएई आर्म फोर्सेज, यूएई के आर्म फोर्सेज द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ध्यान रखना। आईडेक्स इज ओनली इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन द मीना रीजन डेमोन्स्ट्रेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अक्रॉस लैंड सी एंड एयर सेक्टर ऑफ डिफेंस। देखो अब ये मीना रीजन जो आ गया ना, इसको भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मीना रीजन क्या है। तो मीना रीजन क्या होता है? मीना रीजन है, ध्यान रखना, मीना इज एन एक्रोनियम यानी कि शॉर्ट फॉर्म फॉर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। देखो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, इसमें 19 कंट्रीज आती हैं, और मीना रीजन में इंटरनेशनली एक ही डिफेंस एग्जीबिशन होती है। क्या? आईडेक्स इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नेवडेक्स नेवल डिफेंस एक्सरसाइज, ध्यान रखना है, एग्जीबिशन, सॉरी एक्सरसाइज नहीं है, एग्जीबिशन। मीना रीजन में अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, 45% ऑफ वर्ल्ड नेचुरल गैस रिजर्व मिलते हैं। कंट्रीज कौन कौन सी है? अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लिबनान, लिबिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टूनिसिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन। देखो मैप देखोगे तो ये समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी कंट्रीज है। दिस कंप्लीट रीजन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये वाला रीजन देख सकते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, यमन, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन सब कंट्रीज की बात जो है वो यहां पर चल रही है। ये पूरा रीजन जो है वो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन कहलाता है। सब अरब कंट्रीज हैं ये, अरब लैंग्वेज यहां पर ज्यादातर यूज होती है, तो इस पूरे रीजन की बात हो रही है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो गई, सीरिया भी शामिल है खैर इसमें, तो ये जो है वो नाम देख लीजिएगा, रफली आइडिया होना चाहिए आपको कि ये कौन से रीजन की बात हो रही है। तो इसको क्या कहा जाता है? मीना रीजन भी कहा जाता है। मीना रीजन किसको कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं। चलिए वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द स्लाइड। द इंडियन नेवी विल गेट इट्स थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, क्या नाम दिया गया है?
इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस सबमरीन है, बहुत पावरफुल सबमरीन में मानी जाती है। और थर्ड सबमरीन जो है उसको क्या नाम दिया गया है, ये बात याद रखनी है आपको, INS करंज। ठीक है, INS करंज याद रखो, INS करंज। इससे पहले कौन सी है, INS खंडेरी, INS कलवेरी, और तीसरा नाम आ गया INS करंज का। तो यहां पे INS करंज आपको याद रखना है, लेटेस्ट है INS करंज। किसकी है, INS कलवेरी क्लास की सबमरीन है। INS कलवेरी जो है वो शुरू हुई थी दिसंबर 2017 में कमीशन हुई थी। सेकंड INS खंडेरी के नाम से थी, सितंबर 2019 में कमीशन हुई थी। फोर्थ सबमरीन जिसको वेला के नाम से जाना गया है, ये लॉन्च कर दी गई, ये पानी में मतलब इसका ट्रायल वगैरह चल रहा है, मई 2019 में कर दी गई थी। इसकी अगली है वगीर जो कि नवंबर 2020 में आएगी, ये दोनों सी ट्रायल में चल रही है। और अगली आएगी इसके बाद में एक और है, तो ये सारी मिलकर एक तरीके से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो इंडियन नेवी में शामिल होनी है। अभी लेटेस्ट में कौन सी आ रही है, करंज का नाम आ रहा है, याद रखें करंज वेला, ये दोनों ही नाम याद रखें, न्यूज में थे। अभी नवंबर 2020 में ये वगीर भी न्यूज में आई थी, देख लो वगीर इन नवंबर 2020, ये जो है वो नवंबर 2020 में इसको पानी में डाला गया था, इस वजह से न्यूज में थी। और यहाँ पे जो है वो हम क्वेश्चन में पूछ रहे भैया, थर्ड नेवी ने कौन सी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अपने अंदर शामिल कर ली है, तो शामिल कर ली है करंज। ठीक है, करंज को शामिल कर लिया। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ट्रॉपिकल जो टिपिकल सबमरीन होती है जिसको हम सबमरीन कहते हैं, उसमें सबसे पावरफुल सबमरीन में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आती है, डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन होती है। प्रोजेक्ट 75I के अंडर में होती है ये। ठीक है, इंडियन नेवी 6 अटैक सबमरीन बना रहा है, और कौन बना रहा है इसको, मजगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में है वो बना रहा है। ठीक है, जो कि जैसा मैंने बताया था गार्डन रीच डिफेंडर्स की तरह, मजगांव डॉक लिमिटेड क्या है, इंडियन नेवी की कंपनी है जो कि इन शिप्स को बनाने का काम करती है। मिलिट्री एक्साइज युद्ध अभ्यास 2.0, मिलिट्री एक्साइज युद्ध अभ्यास 2.0 कौन से दो देशों के बीच में होती है भैया, इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्साइज है, इसको गलती से भूलिए नहीं। युद्ध अभ्यास एक्साइज हर साल होती है। युद्ध अभ्यास एक्साइज जो है उसका संबंध कौन से दो देशों के बीच में, तो इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है ये एक्साइज, और ये अभी थोड़े दिन पहले हुई है उत्तराखंड के अंदर। युद्ध अभ्यास 16th एडिशन ऑफ यूएस ज्वाइंट एक्साइज युद्ध अभ्यास वॉज हेल्ड इन राजस्थान, सॉरी ये उत्तराखंड नहीं, राजस्थान के अंदर हो रही है। ठीक है, हेल्ड इन राजस्थान बिटवीन February 8 and 21। ठीक है, और ये हर बार लगभग दो साल में एक बार होती है। बायलेटरल ट्रेनिंग एक्साइज वॉज कंडक्टेड एट द फॉरन ट्रेनिंग नोड एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस जो कि राजस्थान के बीकानेर में है। ठीक है, ध्यान रखें VLSRSAM, SAM जहां गया तो उसको क्या कहेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये किसने डेवलप किया है, सीधी सी बात है DRDO ने डेवलप किया है, DRDO डेवलप करती है ऐसी चीजें, सीधी सी बात है। तो हम यहां पे देख लेते हैं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस द 2 सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑफ वर्चुअल लॉन्ग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फुल फॉर्म क्या हो गया, VLSRSAM का वर्चुअल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, VLSRSAM जो है वो DRDO द्वारा डेवलप्ड है, इंडियन नेवी के लिए है। और इसका लॉन्च कहां से हुआ, इसका लॉन्च हुआ उड़ीसा कोस्ट के चंदीपुर से, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हाँ, फुल फॉर्म पूछ लेता है, बहुत कम चांसेस हैं। SAM समझ जाइएगा, SAM का मतलब सीधा सीधा सा होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, वर्चुअल लॉन्च VL सरफेस टू एयर मिसाइल, तो शॉर्ट रेंज है ये, इतना भी ध्यान रख सकते हैं, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा किसने डेवलप किया है, तो DRDO का नाम याद रख लें, इसको इतना इंपॉर्टेंस ना दें। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्रीज एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी कंट्री के 70 एयरफोर्स के साल पूरे होने पर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा श्रीलंका, श्रीलंका के एयरफोर्स के 70 साल पूरे होने के जश्न में इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हेल्प करने गए इंडियन एयरफोर्स वाले इसमें पार्टिसिपेट करने गए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स गिफ्ट 1971 वॉर हेलीकॉप्टर टू विच कंट्री, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से वॉर ट्रॉफी के तौर पे, वॉर ट्रॉफी मतलब जो हम जो है वो, जैसे आपने देखा होगा कई बार मिलिट्री कंटोनमेंट के बाहर में 1971 वॉर के टाइम के टैंक रखे होते हैं जो पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए थे, इनको वॉर ट्रॉफी कहा जाता है। वॉर ट्रॉफी मतलब एक तरीके से यादगार के तौर पर रख लिया गया हो ऐसा कहा जाता है। तो ये जो वॉर ट्रॉफी है ये हमने कौन सी कंट्री के लिए जो है, कौन सी कंट्री को दी है,
तो 1971 की वॉर ट्रॉफी जो है वो किस कंट्री को दी है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश को दी है, बांग्लादेश का ही है 1971 से संबंध, तो सीधा सीधा आंसर बांग्लादेश ठिकाना है भैया। बांग्लादेश से देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए, देखो बांग्लादेश को 50 साल हुए हैं, तो इस बार बहुत सारी चीजें बांग्लादेश आर्मी के साथ में चल रही है। अगर आज ही की बात करूं तो अभी जो आर्मी चीफ है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वो बांग्लादेश की विजिट पे भी थे, तो हालांकि वो चीज पूछने के चांसेस नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछता, बट हाँ ये वॉर कहाँ गिफ्ट किया, कौन सी आर्मी ने हमारी कंट्री के रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया, ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश का चल रहा है इस बार सारा हंगामा, सब बांग्लादेश पे इस बार, तो बांग्लादेश को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, मैंने बताया था ना डेजर्ट नाइट थी फ्रांस के साथ में, अब आ गई एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कौन सी देश ने ऑर्गेनाइज कराई है, आंसर आएगा यूएई, यूएई में डेजर्ट फ्लैग हुई है, याद रखा हो। डेजर्ट नाइट कहां हुई है, इंडिया में हुई है, डेजर्ट फ्लैग कहां हुई है, यूएई में हुई है, डेजर्ट नाइट फ्रांस के साथ है, डेजर्ट फ्लैग यूएई के साथ है। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में यहां पे जानकारी और भी दे रखी है, मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉर टाइम एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, बहरीन, इन सब देश की फोर्सेस ने भी इसमें हिस्सा लिया है। यूएई के अंदर हुई थी, ठीक है, कब से कब, मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में अल दाफरा एयर बेस में हुई है यूएई में। एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग विद सुखोई 30 MKI, C-17 ग्लोब मास्टर एंड IL-78 एयरक्राफ्ट टैंकर। C-17 ग्लोब मास्टर विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडक्शन एंड डी इंट्रोडक्शन ऑफ द IS-IF कंटिजेंट, यानी कि जो एयरफोर्स के जो मिसाइल बैटरी सिस्टम वगैरह होते हैं वो इससे जाएंगे वहां पे और वापस आ जाएंगे, तो ये उसके लिए बेसिकली काम में ले रहे हैं। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और इसके साथ ही इंडिया जो है वो रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो IL-78 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसमें कर रहा है, तो यहाँ पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ये जो है वो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, खासतौर से SSB स्टेज पे ज्यादा पता होना चाहिए, जो भी एयरफोर्स के SSB के लिए जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के पास में कौन कौन से प्लेन्स हैं, कौन कौन सी मिसाइल सिस्टम्स हैं, कौन कौन सी एयरफोर्स का स्पेसिफिक है ये। हालांकि कई बार CDS ND में पहले ये क्वेश्चन आते रहे हैं कि यार ये जो शिप है इनमें से कौन सा है हमारे पास में या क्या है नहीं है, तो C-17 ग्लोब मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, दूसरा IL-78 भी बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MKI इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक फॉर्म पे होनी चाहिए, तो कई क्वेश्चन ऐसे अटकते हैं NDA CDS में जिनके बारे में आप जो है वहाँ पे एग्जाम में सोचें, उससे बढ़िया है कि आप इनको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट एज वेल आपको आइडिया होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच नेशन हैज साइंड अ डील विद इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ डिफेंस मटेरियल इंक्लूडिंग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, तो इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, विच नेशन हैज साइंड अ डील विद इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ डिफेंस मटेरियल, यानी कि डिफेंस मटेरियल तो खरीदेंगे साथ साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी खरीद रहे हैं, कौन सा देश है, फिलीपींस, ध्यान रखो फिलीपींस नाम से जो देश है इनने इंडिया के साथ में कौन सी मिसाइल खरीद रहे हैं, इंडिया से खरीद रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ये बात याद रखना, ठीक है। आकाश मिसाइल खरीदने की भी बात चल रही थी। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डस्टलिक 2 इन इंडिया, एक्सरसाइज डस्टलिक 2 के अंदर कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ में, तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सरसाइज डस्टलिक 2 भी हर साल होती है, उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। डस्टलिक 2 के बारे में, इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2 कमेंस टूडे इन फॉरन ट्रेनिंग नोड रानीखेत उत्तराखंड में हुई है, ध्यान रखो कहां हुई है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ चौबातिया रानीखेत उत्तराखंड में हुई है। सेकंड एडिशन ऑफ द एनुअल बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज, देखो एनुअल बायलेटरल मतलब क्या होता है, हर साल दो देशों के बीच होने वाली, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देशों के बीच में होने वाली, बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच में होने वाली, ट्राइलेटरल मतलब तीन के बीच में होने वाली, याद रखें ये कुछ एक शब्द हैं जो इंग्लिश में आम भाषा में इस्तेमाल भी होते हैं। मार्च 2021 में 19 मार्च तक चलने वाली एक्सरसाइज थी, उज्बेकिस्तान इसमें हिस्सा ले रहा है, 2019 से इंडिया के साथ में ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। चलो, फ्रांस ने अपना रिसेंट में एक स्पेस एक्सरसाइज लॉन्च किया था कि स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए एक एक्सरसाइज लॉन्च किया था फ्रांस ने, और इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम क्या था, एस्टरएक्स। एस्टरएक्स एक्सरसाइज जो है वो किसकी है, फ्रांस की है, किससे जुड़ी हुई है,
स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, ये बात याद रखें। एस्टर एक्स एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दी हुई है, अमिड द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन अमंग द वर्ल्ड पावर्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनकी मिलिट्री पावर बढ़ रही है जिस हिसाब से, ठीक है, और उनको सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल क्या है स्पाई सैटेलाइट वगैरह का भी फीचर बढ़ गया। भाई इंडिया के ऊपर मान लीजिए कोई ऐसी सैटेलाइट है जो चाइना की है, वो हम पे नजर रख रही है, तो हम उसको उड़ा सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो इस तरीके से कई कंट्रीज आजकल एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। तो एस्टर एक्स एक्सरसाइज जो है वो किसकी है, फ्रांस की है, और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या है, इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है फ्रांस की स्पेस टेक्नोलॉजी की जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम वगैरह है उन सबको चेक करना। द एक्सरसाइज ड्रिल्स आर कोड नेम्ड एस्टर एक्स, ठीक है, किसकी याद में, फ्रांस की पहली सैटेलाइट थी 1965 में, स्पेस सैटेलाइट थी फ्रांस की पहली एस्टर एक्स के नाम से, तो एस्टर एक्स इसकी याद में ही एक्सरसाइज का नाम रखा गया, ठीक है। फ्रांस की स्ट्रेटेजी है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्पेस पावर बनने की, यूएसए और चाइना के उसके कॉम्पिटिशन में है ऐसा। इंडिया ने भी ऑपरेशन शक्ति किया था, याद रखना, इंडिया के पास भी एंटी सैटेलाइट ए सेट सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है हमारे पास में भी, जिसका टेस्टिंग इंडिया ने भी कर चुके हैं, तो अगर हमारे पास लिए भी खतरा होता है तो हम भी एक स्पेस में मिसाइल लॉन्च करके ऐसी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं मिशन सागर 4 को। देखो अभी मैंने बताया था मिशन सागर 3 एंड मिशन सागर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा शिप गया था मिशन सागर 4 में, तो अभी मैंने बताया था मिशन सागर 3 में गया था किल्टन, मिशन सागर 4 में कौन सा गया है, तो यहां पे नाम याद रखना जलाश्व, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। INS जलाश्व गया था, याद रख लो INS जलाश्व, ठीक है, ध्यान रखें। अंडर मिशन सागर 4 इंडियन नेवल शिप क्या नाम से, जलाश्व के नाम से गया था, और 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस जो है वो डिलीवर किया था किसको, कॉमरोस नाम से एक आइलैंड कंट्री उसको, और मेडागास्कर नाम से आइलैंड कंट्री इनको। मैं वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूं कहां पर है, तो आप इस वर्ल्ड मैप पे देखेंगे यहां पर इधर साउथ की तरफ में जाएंगे इंडियन ओशियन के अंदर ही देख सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन ही है हमारी जिम्मेदारी मेजरली, सागर जो है वो इंडियन ओशियन को फोकस करके ही है। यहां देखेंगे देख सकते हो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री दिख रहा होगा कैमरोस के नाम से, ये है कैमरोस, और वहीं पे इसी के बगल में यहां पे एक बड़ा सा आइलैंड कंट्री है, ये है मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर और कैमरोस दोनों को कवर कर रही है इंडिया बेसिकली इस मिशन सागर 4 में। मिशन सागर 3 में हम गए थे कंबोडिया और वियतनाम, देखो यहां पे आसियान देशों में आएगा, यहां पे वियतनाम और इधर कंबोडिया, ये कंबोडिया, तो ये कंबोडिया एंड वियतनाम इन दो कंट्रीज को हमने कवर कर लिया था किसमें, मिशन सागर 3 में। मिशन सागर 4 में कवर किया इनको कैमरोस को, इधर साउथ में कैमरोस को और मेडागास्कर को, तो इन दोनों चीजों को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिशन सागर 4 से जुड़ी हुई जानकारी यहां पर दी हुई है, INS जलाश्व ने इसमें हिस्सा लिया था, मेडागास्कर पहुंचा था, आदि इन्फॉर्मेशन यहां पर है, हमको उसको याद नहीं रखना, फिर ये ध्यान रखिएगा मिशन सागर 4 में कौन सी कंट्रीज आ रही है, मिशन सागर 4 क्या है, व्हाट इज मिलान 2T सीन इन न्यूज रिसेंटली, हाल ही में मिलान 2T जो न्यूज में देखा गया वो क्या है, व्हाट इज इट, तो ध्यान रखो एंटी टैंक मिसाइल है, इंडियन आर्मी के पास में एंटी टैंक मिसाइल की भारी कमी हो जाने की वजह से हाल ही में फास्ट ट्रैक बेसिस पे, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में एक मैकेनिज्म होता है फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म कि आप जो है वो इमरजेंसी में वेपन खरीद सकते हो, एंटी टैंक मिसाइल मिलान 2T खरीदी गई थी, और ये जो है वो देख सकते हो यहाँ पे मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो खरीदी गई थी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अनाउंस द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL फॉर सप्लाई ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGMs टू द इंडियन आर्मी। देखो किसने बनाया हुआ है मिलान 2T, किसकी बनाई हुई है, इंडिया में ही बना रहे हैं, कौन बना रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है वो बना रही है, तो इसका नाम डायरेक्टली आने के चांसेस तो नहीं है, बट हाँ आपसे ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि मिलान 2T क्या है, तो ये ध्यान रखें मिलान 2T जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑपरेशन संकल्प की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ऑपरेशन संकल्प जो है उसका संबंध इंडियन नेवी से रहेगा, ध्यान रखें, तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत कौन से देश की नेवी के साथ में एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, तो ऑपरेशन संकल्प जो है उसके साथ में या उसके अंडर में एक और ऑपरेशन है पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज क्या होती है, इसको पासेक्स भी कहा जाता है, PASSEX, पासेज एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है पासेक्स। पासेक्स एक्सरसाइज के अंदर अगर इंडिया पार्टिसिपेट करे तो उसका मतलब क्या होता है, हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं या फिर वहां से निकल रहे हैं, तो फिर उन नेवी के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं और एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। ऐसा पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी के क्षेत्र में इंडिया ने किया, कौन से कंट्री के साथ किया है,
तो यहां पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बहरीन के साथ में किया है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहरीन के साथ में यहां पर पैसेज एक्सरसाइज किया है ऑपरेशन संकल्प के अंडर में। ऑपरेशन संकल्प के बारे में यहां पे जानकारी दी हुई है। पासेक्स, ये देख लो पासेज एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पासेक्स, जो मैं अभी बता रहा था आपको, किसके साथ में, रॉयल बहरीन नेवी के साथ में, ठीक है, किया है, ध्यान रख। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक्साइज पब्बी एंटी टेरर की बात कर लेते हैं। एक्साइज पब्बी एंटी टेरर 2021 विल बी कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एक्साइज पब्बी एंटी टेरर आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। पब्बी एंटी टेरर जैसे हमने अभी पहले कवकाज एक्साइज देखी थी उसी तरीके से, बट हाँ एससीओ की एक्साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री में होने वाली, पाकिस्तान के अंदर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, चाइना पार्टिसिपेट करेगा, अभी तक तो यही न्यूज है। हालांकि इंडिया ने जैसे कवकाज में मना कर दिया था, हो सकता है इसको भी मना कर दे, बट अभी तक तो न्यूज ये है कि पाकिस्तान में होगी। तो जैसे कवकाज रशिया में हुई थी तो इंपॉर्टेंट था पब्बी एंटी टेरर, अब आने वाले टाइम में होने वाली पाकिस्तान में, अभी उज्बेकिस्तान में इसके बारे में न्यूज आई थी। ठीक है, पब्बी एंटी टेरर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द 8 मेंबर ब्लॉक, कौन सा मेंबर ब्लॉक, मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया चाइना और पाकिस्तान शामिल है ना, ये एक एंटी टेरर एक्सरसाइज चालू करेंगे, जिसको क्या नाम दिया गया है, जिसको पब्बी एंटी टेरर नाम दिया गया है। ये काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में मीटिंग में भी डिसाइड हुआ था, और पब्बी जो जगह है वो पाकिस्तान में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एक स्पेशल एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जो रशिया और इंडिया के बीच में होती है। वरुण नाम से नेवल एक्सरसाइज होती है जो इंडिया और रशिया रशिया बोल रहा हूँ मैं, फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, वरुण। गरुड़ इंडियन एयरफोर्स और नेवल फ्रांस एयरफोर्स के बीच में होती है। शक्ति एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के बीच होती है। गगन शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स खुद ही करती है इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पावर को दिखाने के लिए। गरुड़ शक्ति किससे जुड़ी हुई है, गरुड़ शक्ति, गगन शक्ति में कंफ्यूज ना हो, शक्ति में कंफ्यूज ना हो, गरुड़ शक्ति जो है वो गरुड़ और शक्ति इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये किन के साथ में होती है, ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। देखो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है, और मित्र शक्ति ये श्रीलंका के साथ में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जो भी एग्जाम अपियर करने वाले एनडीए का, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी मेरी दी हुई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस लेक्चर का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहीं पे जो है वो क्लास को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।